हार्ड। इस बैच में आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे ना, पट्टी पढ़ रहे हैं ला वेलेडेंस सेंस मर्सी पाठ हो गया, मौज आई पक्का। तो अगला पाठ पढ़ते हैं पट्टी का द पासिंग ऑफ अर्थर, अर्थर का गुजरना। अरे द पासिंग गुजरना, अर्थर नाम है, अर्थर का गुजरना। इस पाठ को लिखा है बेटा अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन, जो विक्टोरियन एज के महान कवियों में से एक थे। पाठ का नाम क्या बताओ, द पासिंग ऑफ अर्थर, अर्थर का गुजरना, रास्ते से नहीं गुजरना, मतलब कहते गुजर के निकल लिए, यानी कि अंतिम गुजरना, भैरव घाट वाली गुजरना की बात हो रही। द पासिंग ऑफ अर्थर, अर्थर का गुजरना, रास्ते से नहीं गुजरना, समझ गए ना, जिंदगी से गुजरना, मतलब भैरव घाट, बात समझ। इस पाठ को लिखा किसने बेटा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन, जो विक्टोरियन युग के महान कवियों में से एक थे। यह कविता एक ब्लैंक वर्स है, कविता के प्रकार में क्या बेटा, ब्लैंक वर्स है। यह कारण है कि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। कक्षा 11 में मर्सी पाठ, अरे यार तुम लोगों ने पढ़े होगा मर्सी पाठ कक्षा 11 में, वह भी ब्लैंक वर्स, वह पाठ भी ब्लैंक वर्स था और यह पाठ भी ब्लैंक वर्स, ठीक है। इसे ड्रामेटिक मोनोलॉगी भी कहा जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉगी क्या है देखो बेटा, दो होते हैं सालीलाकी और मोनोलॉगी। सालीलाकी क्या है पहले जान लो, पर्दे पर ध्यान सुनो, पर्दे पर अमिताभ बच्चन हैं और कोई नहीं, बाकी पिक्चर चल रही है, पर्दे पर केवल अमिताभ बच्चन हैं, उस पर्दे पर और कोई नहीं। अमिताभ बच्चन कोई बात कहते हैं, इस दृश्य को कहा जाता है ड्रामेटिक सालीलाकी, एकाकी कथन। फिर समझो सालीलाकी क्या है, पर्दे पर एक मनई है, कोई बात कह रहा है, बाकी एडवांस है, श्रोतागण बैठे हैं, उस पर्दे पर और कोई नहीं है, इसको कहा जाता है ड्रामेटिक सालीलाकी। अब ध्यान सुनो, पिक्चर देखने बैठे हो, पर्दे पर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया भादुरी सभी हैं, लेकिन बोलने वाला केवल अमिताभ बच्चन है, बाकी वहाँ पर्दे पर तीन लोग और जो बैठे हैं, 10 लोग जो बैठे हैं, वह केवल श्रोता हैं। इस स्थिति को कहा जाता है बेटा ड्रामेटिक मोनोलॉगी। तो यह पाठ जो आप पढ़ने जा रहे हो, यह ड्रामेटिक मोनोलॉगी भी है और इसे ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है। किताब देखो बेटा, किताब का नाम क्या है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, यानी कि कविता बहुत बड़ी है, कविता बहुत बड़ी है, उसमें से फ्रॉम माने से यह पाठ लिया गया है द पासिंग ऑफ अर्थर। जैसे इंटर के कोर्स में रामचरितमानस का भी थोड़ा सा भाग है ना, भायप भगत भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरणु, तो है तो रामायण रामचरितमानस है, बड़ा सा महाकाव्य है, उसमें स्व थोड़ा सा भाग हमको आपको पढ़ने के लिए हिंदी में दिया गया है। उसी प्रकार से यह कविता जो है बहुत बड़ी है। इस कविता का ओरिजिनल नाम क्या है जान लो बेटा, मार्टे डी अर्थर, यानी कि शहीद अर्थर, अर्थर महोदय चले गए भैरव घाट,
ओरिजिनल नाम क्या है, मार्टे डी अर्थर, उसी से यह अंतिम लाइनें दी गई हैं। उसी कविता की, बहुत बड़ी कविता है, उस कविता की यह अंतिम लाइनें हैं जो हमको आपको क्या करनी है, पढ़नी, ठीक है। मार्टे डी अर्थर ओरिजिनल नाम है, ठीक है। तो शुरू किया जाए, इसका मतलब क्या कहना चाहते हो, कहना यह चाहते हो बेटा कि जब तक कविता की अंतिम भाग है बिल्कुल लास्ट में, इसके पहले क्या है, जब तक यह नहीं जानोगे तब तक यह कविता समझ आएगी नहीं ना। तो इसके पहले क्या है उसको पहले कहानी जैसा सुन लो। शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। ब्रिटेन में एक पौराणिक राजा हुआ। पौराणिक राजा जानते हो ना, अरे पुराण राजा बराबर पौराणिक राजा यार। जैसे अपने यहां राजा दशरथ नहीं थे तो ये पौराणिक राजा कहे जाएंगे, पुराने राजा। उसी प्रकार से ब्रिटेन में एक पौराणिक राजा हुआ जिसका नाम था अर्थर। क्या नाम था? अर्थर। बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो इन्होंने अपने साम्राज्य को विकसित करने के लिए एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बनाई थी, राउंड टेबल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड टेबल। उस राउंड टेबल में उसने बहुत, उस राजा ने बहुत सारे योद्धाओं को भर्ती कर लिया, बहुत सारे योद्धाओं को भर्ती किया ना। उस राउंड टेबल में अपने देश के अच्छे अच्छे योद्धाओं को क्या किया, भर्ती किया। उस राउंड टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, समाज में जो भ्रष्टाचार फैला था इसको दूर करना उस राउंड टेबल का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अगर भ्रष्टाचार दूर करते समय उन्हें युद्ध करना पड़ता था तो वे युद्ध भी किया करते थे, बात समझ। इसी प्रकार के एक युद्ध में राजा अर्थर बुरी तरह बूक दिए गए। इसी प्रकार के एक युद्ध में राजा अर्थर क्या, अरे भाई भ्रष्टाचारियों की पार्टी हावी हो गई और ये महोदय क्या कर दिए गए, बूक दिए गए। यानी कि लोग इन्हें मरा जान के छोड़ चले गए, इनके जितने सिपाही थे सब पहुंचा दिए गए भैरव घाट, जितने इनके राउंड टेबल के योद्धा थे सबको पलटा दिया गया और इनको भी बुरी तरह क्या कर दिया, बूक दिया गया। विपक्षी लोग इन्हें मरा हुआ जानकर छोड़कर चले गए, ठीक है। संयोग से इनका एक वफादार सिपाही जिसका नाम था सर्वणवीर बच गया। इनका वफादार सिपाही था, नाम क्या था बेटा, सर्वणवीर, वह बच गया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो सर्वणवीर वहां गया जहां युद्ध स्थल पर राजा अर्थर का शरीर बुरी तरह घायल पड़ा था। जब सर्वणवीर वहां पहुंचे तो राजा अर्थर ने कहा कि ऐसा करो, यह मेरी तलवार उठाओ और इसे ले जाकर झील के पानी में फेंक दो। तो सर्वणवीर ने राजा साहब की तलवार उठाई, झील के किनारे तक गया, लेकिन उसको लालच आ गई। उसने सोचा कि राजा साहब तो जा रहे हैं भैरव घाट, मरने वाले हैं, इनके मरने के बाद इस तलवार को मैं इस्तेमाल करूंगा। किसने सोचा? सर्वणवीर ने। तो उसने तलवार झील के पानी में नहीं फेंका, एक झाड़ी में छुपा दिया। लौट के आया किसके पास? राजा अर्थर के पास, तो घायल पड़े थे युद्ध क्षेत्र में। राजा अर्थर ने सर्वणवीर को खूब हौंका, यानी कि डांटा,
और आदेश दिया कि जाओ तलवार को पानी में फेंक के आओ। अब तुम्हारे दिमाग यह प्रश्न उठ रहा होगा कि राजा अर्थत युद्ध क्षेत्र में घायल थे, उनको कैसे पता कि तलवार पानी में फेंका कि नहीं फेंका। प्रश्न उठता ना, जानना चाहोगे? उसमें एक कहानी थी। जब राजा अर्थर ने आदेश दे दिया तो राजाज्ञा हो गई, तो राजा के आदेश का पालन करना जरूरी है। तो वह फिर गया सर्वडवीर झील के किनारे, झाड़ी से तलवार निकाली और झील के पानी में फेंक दिया, लेकिन तलवार पानी में गिरी ही नहीं। तलवार पानी में नहीं गिरी तो हुई क्या, जानना चाहोगे? झील के पानी के अंदर से सफेद कपड़े से ढका हुआ एक हाथ बाहर निकला और तलवार को हवा में ही पकड़ लिया, और वह हाथ उस तलवार को धीरे धीरे पानी के अंदर ले गया। क्यों? क्योंकि वह तलवार बरदानी थी, अगर पानी पर सीधे गिरती तो विस्फोट हो जाता था। अब ये सर्वडवीर तो लंच टाइप थे, ये समझ नहीं पाए, ये उस हाथ को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, यार ये क्या हो रहा। अब ये भागते भागते गए फिर राजा के पास, अर्थर के पास। अरे कहा महाराज, आपने जबरदस्ती उस तलवार को झील के पानी में फेंकवा दिया, वहां कोई स्नान कर रहा था, वो तलवार ले गया, ले। अब राजा को विश्वास हो गया कि इसने तलवार पानी में फेंक दी, क्योंकि वह तलवार क्या थी, बरदानी थी। इस राज को, इस रहस्य को केवल राजा अर्थर ही जानते थे, ठीक है। अब सर्वडवीर ने और एक पढ़ रहे हैं किताब, जो जहां से आपको पढ़ना है उसके ऊपर की बात बता रहे हैं। अब सर्वडवीर ने राजा अर्थर के घायल शरीर को अपने कंधे पर रखा और ले गए समुद्र के किनारे। अरे झील जहां थे उसके बगल में क्या था, समुद्र था, समुद्र के किनारे ले गए। वहां जब समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो राजा साहब की तीन रानियां, राजा साहब की तीन रानियां, नाम नहीं दिखाए, करीवा बुरका पहने हुए। अरे यार मुसलमानों के यहां बुरका नहीं पहनती हैं, उसकी बोल रहे हैं, करीवा बुरका पहने हुए एक छोटी सी नाव में बैठी थी। क्यों? क्योंकि राजा साहब भूख दिए गए थे, इनका इलाज होना चाहिए। हमारी बात सुनो ना, राजा साहब जब भूख दिए गए थे तो इनका इलाज उलाज होना चाहिए ना। तो सर्वडवीर ने राजा अर्थर के घायल शरीर को उसी छोटी नाव में रख दिया जिस नाव में राजा साहब की तीन रानियां काला बुरका पहने हुए बैठी थी। अब वह नाव एक रहस्यमय देश की ओर जाने वाली है। रहस्यमय देश क्या था उधर? द आइलैंड ऑफ इवेलियन। जैसे यहां किसी को भयंकर चोट लग जाए उसका इलाज करने के लिए अमेरिका आजकल लोग नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से इवेलियन द्वीप जो है फेमस था इलाज के लिए। तो राजा साहब अपने तीन रानियों के साथ छोटी सी नाव से जा रहे हैं कहां? एक रहस्यमय देश जिसे द आइलैंड ऑफ इवेलियन कहा जाता है। यह दृश्य है, पूरा दृश्य समझ आ गया? इस कविता के पहले क्या दृश्य था समझ आ गया? गुड। अब जैसे ही नाव चलने को होती है सर्वडवीर रोने लगते हैं। क्या कि महाराज आप तो जा रहे हो और जितने सिपाही थे राउंड टेबल के सबको भैरव घाट पहुंचा दिया गया है, कत्लेआम कर दिया गया है, कोई बचा ही नहीं है, अब आप जा रहे हो कहां इलाज के लिए, तो मैं यहां इस देश में अकेला बचा, तो ये विपक्षी पार्टी मुझको छोड़ेगी, मुझको भी भूख देगी। यह जो है कह करके सर्वडवीर रोने लगते हैं, ठीक है। अब किंग अर्थर, घायल अर्थर
अपने वफादार सिपाही को यहां पर समझा रहा था जो आप पढ़ने जा रहे हो। कैसे समझाएगा? शुरू करें? पक्का पूरी बात समझ गई ना? तो ध्यान सुनो बेटा, लिखा है किताब देखो, राजा साहब बोल रहे हैं, एंड स्लोली एंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बर्ड्स। एंड माने और, स्लोली माने धीरे से। किताब देखो, एंड माने और, स्लोली माने धीरे से, एंसर्ड माने उत्तर दिया। किसने? अर्थर ने। धीमी आवाज में क्यों कहा? अरे लैंड टॉवी बताया ना, बुक दिए गए थे युद्ध क्षेत्र में, कष्ट के बुक दिए गए थे, तो आवाज राजा की जो है दहाड़ की तरह निकलनी चाहिए, नहीं निकली क्योंकि बुक दिए गए। तो धीमी आवाज में राजा अर्थर ने उत्तर दिया, कहां से? फ्रॉम द बार्ज। बार्ज माने छोटी सी नाव, बार्ज माने स्मॉल बोट, छोटी सी नाव। तो छोटी सी नाव में काला बुर्का पहने हुए अपने साथियों के साथ बैठा हुआ, काला बुर्का पहने हुए अपनी रानियों के साथ बैठा हुआ घायल अर्थर अपने वफादार सिपाही सर बेडबियर को उत्तर देता है। अरे यार, एंड स्लोली एंसर्ड अर्थर, और धीमी आवाज में अर्थर ने उत्तर दिया, कहां से? फ्रॉम द बर्ड, छोटी सी नाव। तो उसको क्लियर करो, समुद्र के किनारे पर एक छोटी सी नाव में काला बुर्का पहने हुए अपने तीन रानियों के साथ यही दृश्य बैठा हुआ घायल अर्थर अपने वफादार सिपाही सर बेडबियर को उत्तर देता है धीमी आवाज में कि हे सर बेडबियर, मेरी विदाई पर मैं जा रहा हूं, मेरी विदाई पर तुम रोग आओ नहीं, भो भो ना करो, अन्ना से चो चो कर रहे हो कि साहब हमारा क्या होगा, आप तो जा रहे हो, यहां से मार दिए गए, तो हम रोग आओ नहीं, शांत रहो। क्यों? पहले स्टेंजा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, पहले स्टेंजा कच्चा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहा बेटा उत्तर में? द ओल्ड ऑर्डर चेंज, चेंज माने चेंजेस, बताया था पट्टी वर्ड है, चेंजेस में यस हटा करके क्या लगा दिया गया? टीएच। पुराने रीति रिवाज बदल जाते हैं, द ओल्ड ऑर्डर माने पुराने आदेश नहीं, यानी पुराने रीति रिवाज, चेंजेज माने बदल जाते हैं, एल्डिंग माने देते हुए, एल्डिंग माने देते हुए, प्लेस माने स्थान, टू न्यू माने नए के लिए, नए को स्थान देते हुए पुराने रीति रिवाज बदल जाते हैं। हे सर्वेंट बियर, मेरी विदाई पर तुम विलाप न करो, क्यों? क्योंकि पुराने रीति रिवाज बदल जाते हैं और उनका स्थान नया रीति रिवाज ले लेता है। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, पुराने रीति रिवाज बदल जाते हैं, एल्डिंग माने देते हुए, प्लेस माने स्थान, तो न्यू माने नए के लिए, नए रीति रिवाज को स्थान देते हुए पुराने रीति रिवाज बदल जाते, क्यों? बदलना ही प्रकृति का नियम है, पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं और उनका स्थान नया रीति रिवाज ले लेता है। पुरानी परंपरा रूपी झाड़ियां समाज से, पाठक स्टाइल है बेटा, देखो ध्यान से, पुरानी परंपरा रूपी झाड़ियां समाज से कट जाती हैं और वहां सभ्यता का एक नया पौधा उगता है। आगे कहा, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, गॉड माने ईश्वर, फुलफिल्स माने पूरा करता है, हिमसेल्फ माने अपने आप को, यानी कि ईश्वर अपने आप को पूरा करता है, यानी कि ईश्वर अपनी इच्छा को पूरा कर लेता है, इन मेनी वेज, कई तरह से। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना, महाहरामी पीस है बेटा,
कौन? ईश्वर। क्यों बताया? एक मनई दिन दहाड़े दोपहर में एक दूसरे इंसान को पलटा दिया, अरे गोली मार दी, मर गया हो। अब दिन दहाड़े मर्डर किए हो तो पकड़े जाओगे, तो गए जेल। 14 साल बाद छूट के आए तो गांव के मोहल्ले वाले उनसे कैसे बोलते हैं, और दद्दा क्या हालचाल है? हाँ हाँ सब ठीक है ठीक है। क्यों? हरामी पीस है फिर भी लोग दद्दा कहते हैं, प्रार्थना करते हैं उसकी। तो ईश जो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर जो है, नहीं समझ। तो एक मनई का मर्डर किया मोहल्ले और इलाके में, दद्दा कहलाया, तो बताइए कितनों को पलटाता है? हुआ कितनों पलटाता है रोज? गिनती है आपके पास? हमारे पास तो नहीं भाई। तो बताइए कितना बड़ा दद्दा होगा? एक मनई को पलटा दिया, 14 साल बाद जेल छूट के आया, तो समाज के लोग उसे दद्दा कहते हैं ना, करे दद्दा क्या, और प्रशंसा करते हैं उसकी। आइए समझिए, और वह जो है दिन भर में कितनों को पलटाता है, आपके पास उसकी गिनती है? हमारे पास तो नहीं। इसका मतलब इस ब्रह्मांड का दद्दा है तो कौन है? ईश्वर। बहुत बड़ा हरामी पीस है। हरामीपन करो तो समाज तुमको दद्दा कहेगा। नहीं बेटा, तुम ना करना, हम पढ़ा रहे, तुम मौज के लिए कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब यह कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और आपने सुना होगा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वह जो चाहे वो करे, सब सही है। गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। ईश्वर कई तरह से, मेनी वेज दिखा रहे, कई तरह से अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है, कारण कि वह बहुत ही ताकतवर है, सुप्रीम पावर है, सॉवरेंटी है उसके अंदर, जो चाहे वो करे। तो कहा गए, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, कोई अच्छा रीति रिवाज, शुड करप्ट माने भ्रष्ट कर दे द वर्ल्ड माने संसार को। तुमको समझ आया? नहीं समझ आया तो समझाना पड़ेगा ना, पक्का समझना चाहोगे? ईमानदारी से बताओ, समझना चाहोगे ना? तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको यह समझ नहीं आएगा। क्यों? क्या कहा? कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट माने बताया था, कहीं ऐसा न हो कि, वन गुड कस्टम माने कोई अच्छा रीति रिवाज, शुड करप्ट माने भ्रष्ट कर दे द वर्ल्ड माने संसार। अब स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ। संसार में कोई अच्छा रीति रिवाज आएगा तो संसार भ्रष्ट होगा, विकास करेगा? विकास करेगा ना। तो ये तो कह रहे हैं कोई अच्छा रीति रिवाज संसार को भ्रष्ट न कर दे। अब लोग अपना अपना अर्थ बताएंगे उधर, लेकिन हमने बताया था कभी कहना क्या चाहता है उसकी भावना में घुस जाओ, सारी बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जाना चाहोगे? गुड। अच्छा है, बताओ डर, ईश्वर के दरबार में, यानी मंदिर मस्जिद गिरजाघर, उसी के दरबार है, कौन लोग जाते हैं पहले ईमानदार से तो? जो पैसे वाले हैं, मोटी मुर्गियां हैं, कि जो गरीब हैं, हम जैसे लोग हैं, बताइए कौन जाता है? जो दुखी होता है, पीड़ित होता है, गरीब होता है, सताया हुआ होता है, वही उसके दरबार में सच्चे हृदय से घंटा बजाने जाता है। समझो यहां क्या करें बेटा, इस लाइन को क्लियर करना है, थोड़ा समझना पड़ेगा। हमने आपसे पूछा कि सच्चे हृदय से कौन लोग ईश्वर के दरबार में जाते हैं? ईश्वर के दरबार में मंदिर मस्जिद गिरजाघर, ये उसका दरबार है। सच्चे हृदय से कौन लोग जाता है? जो दुखियारा है, पीड़ित है, दलित है, गरीब है, वही उसके दरबार में सच्चे हृदय से जाता है। और जो मोटी मुर्गियां हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो तो अपने ऑफिस में ठनान का मंदिर बनाए होंगे, इतना बड़ा काठे का ले अगरबत्ती खोसा उसमें, और
जब डब्बा जैसे मंदिर बनाया उसके दरवाजे बंद कर दिया, भगवान तुम यहीं बैठे रहो, अभी हमको घोटाला करना है। कौन लोग? मोटी मुर्गियां, पैसे वाले लोग। ये मंदिर में कम जाते, पैसा भेज देंगे, जाओ ये कर दो वो कर दो, गरीबों मार दो, लेकिन खुद नहीं जाते मैडम। जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा ना। सच्चे हृदय से उसके दरबार में कौन जाता है बेटा? जो दिल खोल करके कौन जाता है? दलित है, पीड़ित है, वंचित है, गरीब है, दुखियारा है, वही सच्चे हृदय से त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए जाता है भगवान के दरबार में। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बताइए, किंग आर्थर ने एक राउंड टेबल बनाई थी, उस राउंड टेबल का मूल उद्देश्य क्या था? समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। अगर समाज में जो बुराइयां हैं इसको दूर करने में राजा आर्थर सफल हो जाते तो बताइए सब लोग खुशी होते दुखी होते? खुशी होते ना, तो बताइए किसकी जय जयकार करते? बोलो, राजा आर्थर की जय जयकार करते, और वह सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को भूल जाते। अच्छा बताओ, उसका दरबार किससे चलता है? ईश्वर का दरबार किससे चलता है? गरीबों से, दुखियारों से, पीड़ितों से, दलितों से, वंचितों से चलता है बेटा। वही सच्चे हृदय उसके दरबार में आवाज लगाते हैं, नहीं समझे? तो उसका दरबार चलता है गरीबों से, दुखियारों से, और किंग आर्थर उसमें अड़ंगा डाल रहे थे, क्योंकि अगर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में सफल हो जाते कौन? राजा आर्थर, तो समाज के लोग खुशहाल होते, और जब खुशहाल होते तो जय जयकार किसकी करते? राजा आर्थर के दरबार में जाकर के उसकी जय जयकार करते। कोई मंदिर में घंटा बजाने न जाता, क्योंकि तो उसने सोचा, किसने? ईश्वर। ईश्वर को राजा आर्थर से डर था कि अगर यह जिंदा रहा तो हमारे दरबार में कोई घंटा बजाने नहीं आएगा, कोई सच्चे हृदय से पूजा करने नहीं आएगा। तो उसका नियम का ईश्वर ने इस पृथ्वी पर दो कानून लगा रखे बेटा, सुख और दुख। बताया था द सेक्रेट ऑफ सक्सेसम, उसका यह ओवर रूलिंग ला है। जितने लोग मतलब जीव, जितने जीव खुशी हैं उतने जीव दुखी हैं। यह हमेशा पड़ा बराबर रहता है बेटा, इसको आप कभी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। ईश्वर का जो कानून है, ओवर रूलिंग ला क्या है? ईश्वर का कानून है, वह है क्या? जितने जीव, मनई की बात नहीं हो रही है, जितने जीव इस संसार में खुशी हैं उतने जीव जो है दुखी हैं। अगर जरा सपलड़ा इधर उधर होता है तो वह सुनामी भेज देता है, बहुत बड़ा आरामी पीस है, केदारनाथ कांड करा देता है, जम्बू कांड करा देता है, लैंटोक कोरोना भेज देता है। आ गया होगा समझ, क्या भेज देता है? कोरोना भेज देता है। बिल्कुल हमेशा पड़ा बराबर करके चलता है, और राजा आर्थर उसके नियम और कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर पाट समझ, तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे? समाज में भ्रष्टाचार दूर हो जाता तो समाज के लोग खुश होते, कोई दुखी ना होता। तो दुखी ना होता तो उसका नियम कानून, सभी खुशी होते तो पड़ा ऐसा हो जाता ना। तो ईश्वर को डर था कि अगर यह जिंदा रहा तो हमारा नियम और कानून, सुख और दुख का जो कानून है, वह करप्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हे सर्वेंट बियर, यह ईश्वर की मर्जी है, यह ईश्वर की इच्छा है, जिसके तहत आज मैं युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ, अन्यथा कोई माइक बच्चा मेरी इस एस्कलेबर नामक तलवार की चुनौतियों का सामना करने वाला नहीं था। वो तलवार बरदानी थी, जब तक उसके पास रहती तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता था, कोई नहीं हरा सकता था। तो हे सर बेटबियर, मेरी विदाई पर विलाप न करो, ये समाज है, बदलता रहता है। नमस्कार।
आई बात समझ कुछ पक्का। तो ईश्वर का साम्राज्य गरीबों से चलता है, और जब किंग अर्थर अपने उद्देश्य में सफल हो जाते तो सभी खुशी हो जाते। ईश्वर के दरबार में कोई नहीं जाता सच्चे हृदय से। तो यह ईश्वर की मर्जी है जिसके तहत मैं आदि क्षेत्र में घायल हुआ, अन्यथा कोई माइक बच्चा मेरी तलवार की चुनौतियों का सामना करने वाला नहीं था। यही कारण पहला स्टैंड समझ आ गया, हिंदी समझ आ गई। शुरू करें एक चीर्तांड, ध्यान सुनो। अंग्रेजी अंग्रेजों की है, लेकिन आपने सुना होगा अमेरिकन इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग खोली गई। यही इंडिया की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, आइए हम आपको कोचिंग स्पीकिंग सिखाएंगे। तो कोई रशियन खोले हैं, कोई चाइनीज इंग्लिश खोले हैं, कोई जापानीज, हमारा समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश तो केवल अंग्रेजों की है ना, तो आप देखे होंगे मार्केट में अमेरिकन इंग्लिश, रशियन इंग्लिश, नहीं समझे क्या, ब्रिटिश इंग्लिश। तो लैंटो पाठक जो है इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, आई बात सुनना, इंडियन इंग्लिश है। अरे जब अमेरिका वाले अमेरिकन बनाए, रूस वाले रशियन बनाए, ब्रिटिश वाले ब्रिटिश बनाए, तो लैंटो गर्व से कहो कि पाठक जो है इंडियन है, इंडियन अंग्रेजी बनाएंगे। और आने वाले समय में जैसे आप अमेरिकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर यही मोदी जी रह गए, भ्रष्टाचारी लोग पलटाए नहीं, अरे यार अभी वही बताए, भ्रष्टाचारी लोग अगर पलटाए नहीं, मोदी अगर रह गए, तो देख लेना कुछ दिन के बाद लोग इंडियन अंग्रेजी बोलना ज्यादा पसंद करेंगे। आ गया होगा भाषण, ठीक है तो शुरू करें पक्का, गुड। तो देखो बेटा, हम लोग पोएट्री पढ़ रहे हैं द पासिंग ऑफ अर्थर। कुछ समझ में आया जो बताया पक्का, बताने वाले दुनिया भर के बताएंगे बेटा, लेकिन हकीकत क्या है यह समझ आई, क्या कब कहना चाहता है समझ ना। तो एक सूचना देते बेटा, बहुत सारे लड़के यूट्यूब पर हमारे पढ़ रहे थे नहीं, अब हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, साइट पर आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लड़के ले भी लिख चुके हैं साइट, उनको फायदा भी हो रहा है। तो जो नहीं लिए हैं उनके लिए बताते हैं बेटा, यह पहला स्टैंजा हर कविता का, एक स्टैंजा तो हम शुरू का बताते हैं बेटा, यूट्यूब पर डालेंगे, लेकिन पूरा पाठ पढ़ना है तो आप साइट पे जा करके पूरा कोर्स ले लें, सस्ता भी पड़ेगा और आपको ज्ञान भी होगा। ऐसा बात नहीं है कि केवल स्टूडेंट ही पढ़े, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा है तो बहुत सारे अध्यापक जो पढ़ाते हैं बेटा, सही ढंग से पढ़ाते हैं, सच्चे अध्यापक हैं, उनकी बात कर रहे हैं बेटा, वो भी पाठक के चैनल को देख रहे हैं, फोन आते हैं कि सर जी ये नहीं मिल रहा है, हम भी पढ़ाते हैं, आता है अध्यापक गण भी पढ़ रहे हैं। तो उनसे ये कहना है वो भी कोर्स ले लें बेटा और सीखें कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाता है विद्यार्थी, क्योंकि आप टीचर ही इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, अध्यापक ही तो सब कुछ करता है बेटा, चाणक्य का नाम सुना होगा। तो जब आप अपने ज्ञान को विद्यार्थियों के बीच में सही मायने में बांटेंगे तो आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। क्योंकि जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे तब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा, रटाने से ज्ञान नहीं होता। वो फैशन भूल जाओ, जो सच्चे अध्यापक हैं पाठक स्टाइल वाले, तो उनको यह सूचना दी गई बेटा कि वो भी अध्यापक भी पूरा कोर्स खरीदें, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं यार हैं, और आप साल भर उसको देखें और अपने विद्यार्थियों को भी इसी ढंग से गाइड करें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी जो अध्यापक हैं अच्छे वाले, उनको भी ये सलाह देते हैं कि प्रेरणा लें, पढ़ाया कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है,
पढ़ा कैसे जाता है, अभी हमने लिप बता दिया उड़ा कि रोज थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग रूपी पौधे में रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे तो पौधा हरा भरा रहेगा, यानी ज्ञान रूपी पौधा हरा भरा रहेगा। नहीं डालोगे सूख जाएगा और ज्यादा डालोगे सड़ जाएगा। अरे यार समझे नहीं, अब बार बार चो करके पागल हमको ना बनाओ, समझ ना रहा ना। अब डा इसलिए जो अब हम इंडियन इंग्लिश बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान, पहले तो हिंदी बताएंगे, जो इंडियन इंग्लिश बोलेंगे उसकी पहले आप हिंदी सुनो। तो शुरू करें, तैयार हो? पाठ का नाम है बेटा द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम न लिखना, नहीं रेफरेंस लिखने लगो तुम्हारी तो फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। कविता का नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर, उसमें से चूंकि ये लिया गया है इसलिए आप वहां फ्रॉम लगाए, तो मूल क्या है द पासिंग ऑफ आर्थर। इस पाठ को लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने, जो विक्टोरियन एज के महान कवियों में से एक थे। यह कविता एक ब्लैंक वर्स, इसलिए कविता में राइम स्कीम नहीं है। इसे ड्रामेटिक मोनोलॉगी भी कहा जाता है। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को बताया है कि प्रार्थना अद्भुत कारनामे करती है। प्रेयर डज मिरेकल्स, प्रार्थना प्रेयर माने प्रार्थना, डज माने करती है, मिरेकल्स माने आश्चर्यजनक बातें। तो प्रेयर डज मिरेकल्स, प्रार्थना अद्भुत कारनामे करती है। क्या सीख दी कि चाहे दुखद परिस्थिति में रहो, चाहे सुखद परिस्थिति में रहो, चाहे राजा हो चाहे भूख दिए गए हो, हर परिस्थिति में ईश्वर की प्रार्थना करना वह अद्भुत कारनामे करती है। कौन प्रार्थना, अभी आगे मिलेगा, पाठ की थीम यही है। तो शुरू करें, हमने आपको बताया एक पौराणिक राजा था जिसका नाम था आर्थर। एक युद्ध में बुरी तरह इनको भूख दिया गया, इनके सारे योद्धा मारे गए, संजोग से इनका एक वफादार सिपाही बच गया। बच गया, जब युद्ध समाप्त हुआ तो सर बेडवियर जब युद्ध समाप्त हो गया तो सर बेडवियर वहां गया जहां राजा आर्थर का घायल शरीर पड़ा था, और उस घायल शरीर को सर बेडवियर नदी समुद्र के किनारे पर ले गया, जहां पर एक छोटी सी नाव में राजा साहब की तीन रानियां काला बुर्का पहने हुए बैठी थी। अरे रिकवरी के लिए यार, इलाज के लिए जाएंगे ना हमारे पास सुन। तो जैसे ही नाव चलने को होती है सर बेडवियर रोने लगता है, ठीक है। अब किंग आर्थर अपने वफादार सिपाही सर बेडवियर को यहां समझा रहा है, यही पाठ हुआ अब यही पढ़ना है। एक छोटे समुद्र के किनारे पर, अब जो बोलेंगे अंग्रेजी, समुद्र के किनारे पर एक छोटी सी नाव में काला बुर्का पहने हुए अपने तीन रानियों के साथ बैठा हुआ घायल आर्थर अपने वफादार सिपाही सर बेडवियर को समझा रहा है कि हे सर बेडवियर, मेरी विदाई पर तुम विलाप न करो। क्यों? क्योंकि बदलना ही प्रकृति का नियम है, पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं और उनका स्थान नया रीति रिवाज ले लेता है। पुरानी परंपरा रूपी झाड़ियां समाज से कट जाती हैं और वहां सभ्यता का एक नया पौधा उगता है। हे सर्वेंद्र, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान ईश्वर बहुत सारी ट्रिक का इस्तेमाल करके, बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करके किसी ने किसी तरीके से अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है। किंग आर्थर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की कोशिश कर रहा था,
अगर वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता तो समाज के लोग खुशी होते और किंग अर्थर के नाम की जय जय कार्य करते। इस प्रकार से वह सभी समाज के लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को भूल जाते। इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर जो सुख और दुख का कानून लागू है वह भ्रष्ट हो जाता, करप्ट हो जाता। तो हे सर्वेयर, यह ईश्वर की मर्जी है, यह ईश्वर की इच्छा है जिसके तहत आज मैं युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ अंथा कोई माई का बच्चा मेरी इस स्क्लबर नामक तलवार की चुनौतियों का सामना करने वाला नहीं था। तो मेरी विदाई पर विलाप ना करो, क्यों ना करो, क्योंकि किसी ने मुझको मारा नहीं है। यह तो उस हरामी पीस की इच्छा है, यह तो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा है जिसके तहत मैं मर रहा हूं। वह चाहते ही नहीं कि सब लोग खुशी रहें, वह हमेशा विषमता बनाए रहता है। बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि समाज में चाहे राम का जमाना रहा हो चाहे कृष्ण का जमाना रहा हो, हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली हमेशा रही हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। आगे होगा सुन, यानी कि ईश्वर चाहते नहीं कि सब लोग खुशी हों, क्योंकि उसका कानून है सुख और दुख का। तो जितने सुखी हों जीव उतने दुखी होने चाहिए, नहीं तो कोरोना भेज देता है। समझ भाई पूरी बात सुख रहे। तो अब इंडियन इंग्लिश सुनो बेटा, सुख रहे। द पोएम द पासिंग ऑफ अर्थर हैज बीन कंपोज बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ विक्टोरियन एज। दिस पोएम इज ए ब्लैंक वर्स, दिस पोएम इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉजी, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज इरेगुलर। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू टीच ए यूजफुल लेसन टू द मॉडर्न स्टूडेंट्स हियर दैट प्रेयर डज मिरेकल, प्रेयर डज मिरेकल, प्रार्थना अद्भुत कारनामे करती है। यही पाठ की थीम है। द पोएम इज दैट सुरग्रह वुंडेड अर्थर, घायल अर्थर, वुंडेड अर्थर इज सिटिंग इन ए स्मॉल बोट विथ हिज थ्री क्वींस पुटिंग ऑन ब्लैक वेल्स ऑन द शोर ऑफ द सी। दृश्य समझौटा, वुंडेड माने घायल, वुंडेड अर्थर इज सिटिंग इन ए स्मॉल बोट विथ हिज थ्री क्वींस पुटिंग ऑन ब्लैक वेल्स ऑन द शोर ऑफ द सी। तो सिटिंग इन ए स्मॉल बोट विथ हिज थ्री क्वींस पुटिंग ऑन ब्लैक वेल्स वुंडेड अर्थर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कन्विंस हिज फेथफुल सोल्जर नेम सर्वेयर दैट ही शुड नॉट बी ऑन हिज डिपार्चर, कि उससे उसकी विदाई पर विलाप नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार, वुंडेड अर्थर इज सिटिंग इन ए स्मॉल बोट विथ हिज थ्री क्वींस पुटिंग ऑन ब्लैक वेल्स ऑन द शोर ऑफ द सी। तो सीट अब वही ग्रामर लगा बेटा, सिटिंग इन ए स्मॉल बोट विथ हिज थ्री क्वींस पुटिंग ऑन ब्लैक वेल्स वुंडेड अर्थर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कन्विंस हिज फेथफुल सोल्जर नेम्ड सर्वेयर दैट ही शुड नॉट बी ऑन हिज डिपार्चर बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। द ओल्ड कल्चर एंड कस्टम्स आर चेंज्ड एंड दे आर रिप्लेस्ड विथ न्यू कल्चर एंड कस्टम। इट मीन्स द बुशेज ऑफ, बुशेज माने झाड़ियां, द बुशेज ऑफ ओल्ड कल्चर एंड कस्टम्स आर कट डाउन एंड ए न्यू प्लांट ऑफ सिविलाइजेशन ग्रोज इन द सोसाइटी, और समाज में सभ्यता का एक नया पौधा उगता है। गौतम बुद्ध के पहले सब अराजकता थी, पैदा हुए एक गौतम बुद्ध नामक धर्म का पौधा उगाया। वही चीज है, द बुशेज ऑफ ओल्ड कल्चर एंड कस्टम्स आर कट डाउन एंड ए न्यू प्लांट ऑफ सिविलाइजेशन ग्रोज इन द सोसाइटी, और समाज में सभ्यता का एक नया पौधा उगता। एड सिंह सर्वेयर किंग अर्थर सेज दैट गॉड इज सुप्रीम, गॉड इज सुप्रीम, गॉड इज द ऑलमाइटी, गॉड इज द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी गॉड एडॉप्ट्स ए नंबर ऑफ ट्रिक्स ए नंबर ऑफ आइडियाज टू फुलफिल हिज डिजायर एट एनी कॉस्ट।
एट सिंग सर्वर बी है किंग आर्थर सेज दैट गॉड इज सुप्रीमो, गॉड इज द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी गॉड एडॉप्ट्स ए नंबर ऑफ ट्रिक्स टू फुलफिल हिज डिजायर एट एनी कॉस्ट. किंग आर्थर वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिमूव द इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी. किंग आर्थर राउंड टेबल बनाया था, उसका उद्देश्य क्या था? समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना. तो किंग आर्थर वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिमूव द इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी. इफ ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन द पीपल ऑफ द सोसाइटी वुड बी हैप्पी एंड दे वुड कॉल द जय जयकार ऑफ किंग आर्थर एंड दे वुड फॉरगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड. इन दिस वे द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ जॉयज एंड सारोज, द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ जॉयज एंड सारोज प्रोवाइडेड बाई गॉड ऑन अर्थ वुड बी अरेस्टेड एंड करप्टेड. इट मीन्स गॉड हिमसेल्फ वॉज एफ्रेड ऑफ किंग आर्थर. ईश्वर को राजा आर्थर से खुद डर था. तो एड सिंग सर्वेड वियर किंग आर्थर सेज दैट इट इज द डिजायर ऑफ गॉड, इट इज द विल ऑफ गॉड, इट इज द मर्जी ऑफ गॉड अंडर विच ही हैज बीन वाउंडेड इन द बैटल फील्ड. अदरवाइज नोबडी ऑफ दिस वर्ल्ड कुड फेस द चैलेंजेस ऑफ हिज वर्ल्ड नेम्ड एस्क्लेवर. अंथा उसकी एस्क्लेवर नामक तलवार की चुनौती, एक्सक्लेवर एक्स्ट्रा क्लेवर इज इक्वल टू एस्क्लेवर, उसके एस्क्लेवर नामक तलवार की चुनौतियों का सामना करने वाला कोई नहीं था. कुछ समय पहला संध्या कुछ कुछ पहले पड़ा, अब इसी को रमा करना. आइए बेटा कैसे शुरू करेंगे. एक छोटी सी नाव में काला बुरका पहने हुए अपने तीन रानियों के साथ बैठा हुआ घायल आर्थर अपने वफादार सिपाही सर्वेड बियर को समझा रहा है कि हे सर्वेड बियर, मेरी विदाई पर तुम विलाप न करो, रोग आओ नहीं, क्योंकि बदलना ही प्रकृति का नियम है. पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं और उनका स्थान नया रीति रिवाज ले लेता है. पुरानी परंपरा रूपी झाड़ियां समाज से कट जाती हैं और वहां सभ्यता का एक नया पौधा उगता है. हे सर्वेड बियर, ईश्वर सर्वशक्तिमान है. सर्वशक्तिमान ईश्वर बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरीके से अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता. किंग आर्थर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की कोशिश कर रहा था. अगर वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता तो समाज के लोग खुशी होते और वह सभी किंग आर्थर के नाम की जय जयकार करते और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को भूल जाते. इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर जो सुख और दुख का कानून लागू है यह अरेस्टेड और करप्टेड हो जाता. तो हे सर्वेड बियर, यह ईश्वर की मर्जी है जिसके तहत वह चाहते ही नहीं कि सब खुशी हो. यह ईश्वर की मर्जी है, यह ईश्वर की इच्छा है जिसके तहत आज मैं क्षेत्र में घायल हुआ. अन्यथा कोई माइक बच्चा मेरी तलवार की चुनौतियों का सामना करने वाला नहीं था. तलवार का नाम क्या होता है? एक्सक्लेवर. एक बार फिर सुनते बेटा, हमने आपको बताया द पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर हैज बीन कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ विक्टोरियन एज. दिस पोएम इज ए ब्लैंक वर्स. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज इरेगुलर. दिस पोएम इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉगी. बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू टीच ए यूजफुल लेसन टू द मॉडर्न स्टूडेंट्स हियर दैट प्रेयर डज मिरेकल. प्रेयर डज मिरेकल. द पोएम इज दैट वुंडेड आर्थर इज सिटिंग इन ए स्मॉल बोट विथ हिज थ्री क्वींस पुटिंग ऑन ब्लैक वेल्स ऑन द शोर ऑफ द सी. तो सिटिंग इन ए स्मॉल बोट विथ हिज थ्री क्वींस पुटिंग ऑन ब्लैक वेल्स वुंडेड आर्थर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कन्विंस हिज फेथफुल सोल्जर नेम्ड सर्वेड बियर दैट ही शुड नॉट बी ऑन हिज डिपार्चर बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. The old culture and customs are changed and they are replaced with new culture and custom. The bushes of old culture and customs are cut down and a new plant of civilization grows in the society. Ad Singh Sarved Veer King Arthur says that God is supreme. God is the Almighty. Almighty God adopts a number of tricks, a number of ideas
तो फुलफिल हिज डिजायर एट एनी कॉस्ट। किंग अर्थर वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, अपनी इच्छा पूरी करता है किसी ने, किंग अर्थर वाज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिमूव द इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी। इफ ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन द पीपल ऑफ द सोसाइटी वुड बी हैप्पी एंड दे वुड कॉल द जय जयकार ऑफ किंग अर्थर एंड दे वुड फॉरगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। इन दिस वे द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ जॉयज एंड सारोज प्रोवाइडेड बाई गॉड ऑन अर्थ वुड बी अरेस्टेड एंड करप्टेड। The Ad Sing Servant Beer King Arthur says that it is the desire of God, it is the will of God, it is the ichha of God, it is the mercy of God under which he has been wounded in the battlefield. Otherwise, nobody of this world could face the challenges of his sword named Excalibur. And tha uske Excalibur namak talwar ki chunautiyon ka samna karne wala koi nahi tha. Aa gaya hua sun. Kuch pehle padha? Pakka? Ek baar phir sunte rahe. कुछ तो आया होगा यार। जैसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं कि पठक हुआ पढ़ा रहा है, समझ आ रहा है, आप भी पढ़ो। कैसे कैसे दौड़े? फिर से एक बार, पहले स्टैंजा भयंकर गच्चा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, शुरू करें, ध्यान सुनो। द पोएम द पासिंग ऑफ अर्थर हैज बीन कंपोज बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन who was one of the greatest poets of Victorian age. This poem is a blank verse. The rhyme scheme of the poem is irregular. This poem is a dramatic monologue. By using the power of his magic pen, the poet Alfred Lord Tennyson has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here that prayer does miracle. Prayer does miracle. Prakriti hai. Wounded Arthur is sitting in a small boat with his three queens putting on black veils on the shore of the sea. तो ग्रामर देखो, sitting in a small boat with his three queens putting on black veils, wounded Arthur is trying his best to convince his faithful soldier named Servant Beer that he should not weep on his departure. उसके उसी उसकी विदाई पर विलाप नहीं करना चाहिए। बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, द ओल्ड कल्चर एंड कस्टम्स आर चेंज्ड एंड दे आर रिप्लेस्ड विद न्यू कल्चर एंड कस्टम, द बुशेज ऑफ ओल्ड कल्चर एंड कस्टम्स आर कट डाउन एंड ए न्यू प्लांट ऑफ सिविलाइजेशन ग्रोज इन द सोसाइटी। एट सिंग सर्वेट बियर किंग अर्थर सेज दैट गॉड इज सुप्रीमो, God is the Almighty. Almighty God adopts a number of tricks, a number of ideas to fulfill his desire at any cost. संप्रभु है, जो चाहे वो करे। King Arthur अच्छे काम कर रहा था। King Arthur was trying his best to remove the evils from the society. If he got success in his mission, the people of the society would be happy. And they would call the Jai Jai Kar of King Arthur, and they would forget the existence of Almighty God. उसके दरबार में कोई घंटा बजाने नजर। In this way, the rule and regulation of joys and sorrows, the rule and regulation of joys and sorrows provided by God on earth would be arrested and corrupted. So Ad Sing Servant Beer King Arthur says that it is the will of God, will माने इच्छा, it is the desire of God, it is the mercy of God under which he has been wounded. अरे मर्जी नहीं समझते यार, कहते अपनी मर्जी चला रहे हो। नंबर Ad Sing Servant Beer King Arthur says that it is the will of God, it is the desire of God, it is the mercy of God under which he has been wounded in the battlefield. Otherwise, nobody of this world could face the challenges of his sword named Excalibur. And tha uski Excalibur namak talwar ki chunautiyon ka samna karne wala koi nahi tha. Question hai beta, pakka? Confidence? Nahi aaya to kal aayega. Aaj kuch kakha gaga aaya na, to aage samajhne ke liye aap kya karein? Site par jaye, registration karein, fees jama karein, pura paath padhna hoga. Ye to YouTube pe milega, lekin aage aapko nahi milega. Thank you. Okay.